गाइज, मैं आज आपको फोर टाइप्स अटैक सिखाने वाला हूँ। हाँ गाइज, मतलब है टॉप फोर अटैक आप कैसे करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ गाइज, आपको और कुछ न्यू स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो बना ही दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा फास्ट अटैक, ठीक है। किंग आ गया यहाँ से फनल के लिए और क्वीन भी पीछे से आ गया, वॉल पेकर डाल दिया क्योंकि क्वीन किंग क्वीन को अंदर जाना था इसलिए हमको डालना पड़ा वहाँ पे। बहुत बढ़िया। और एक मिनियन आ गया इस साइड से फनल के लिए। आपको क्या क्या लेना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से कॉपी कर देना। इस साइड से क्लावा आ गया और ब्लिम इस साइड से, क्योंकि ईगल को लेना पड़ेगा ब्लिम से। किंग का भी एबिलिटी दे दी वहाँ पर हमने, बहुत बढ़िया। ब्लिम भी हमारा फूट गया वहाँ पर। एक इन्विजिबल डाल दिया हमने और एक रेस्पेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और हमने डाल दिया इन्विजिबल, मिल गया हमको ईगल, क्वीन भी मिल गया, बहुत बढ़िया। क्वीन का भी एबिलिटी हमने दे दी इस साइड से, देखते हैं क्या होता है। अभी मिल जाए भाई एयर स्वीपर, अरे नहीं मिला भाई, क्या ही बोलूँ। नहीं सर, एयर डिफेंस में नहीं मिला हमको। यहाँ पे एक लावा आ गया, ऐसा कुछ बेलून्स और एक हेस्ट स्पेल और एक फ्री स्पेल, क्योंकि एयर स्वीपर था। अबे यार, लावा को उधर जाना था भाई, लून्स को उधर जाना था, इधर कोई बात नहीं। इस साइड से एक लावा आ गया, कुछ बेलून्स, पीछे से बुढ़ा आ गया, बहुत बढ़िया। इस साइड से कुछ जा रहे हैं और एक हेस्ट स्पेल और एक फ्री स्पेल, क्योंकि सिंगल को था इसीलिए हमको डालना पड़ा। बुढ़ा का भी एबिलिटी बचाया अभी तक, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या होता है। और एक एयर स्वीपर बचा है अभी तक भी, एयर डिफेंस बचा है, स्वीपर भी एक बचा है, बहुत कोई बात नहीं। इस साइड से हम मिनियन डाल दिए फनेल के लिए। अबे एयर स्वीपर मिल जाए भाई, मिल गया, बहुत बढ़िया। हमारे पास एक रेस्पेल बचा है, ठीक है। और बूढ़े का हमने एबिलिटी दे दी क्योंकि एयर डिफरेंस था, बहुत सारा बैलून मर जाते वहाँ पे। रेस्पेल हमें वहाँ पे एक डाल दिए भाई। ये क्या निकला भाई, अरे यार बैलून्स मर जाएगी कुछ लगता है भाई। इस साइड से भी फनेल की जरूरत है, बहुत बढ़िया। अरे भाई ले जा सिंगल इनपो को भाई, बैलून्स ले ला भाई। और एक फनेल के लिए दो साइड में एक मिनियन, दो एक्चर, इस साइड से एक मिनियन, ठीक है। आह बहुत बढ़िया भाई, क्या ही बचे हम। नाइस नाइस, अच्छा खासा बेस में भाई क्लियर हो गया भाई, क्या ही बोलूँ, बहुत जल्दी क्लियर हो गया भाई। आपको इसको सी डब्ल्यू एम में यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज लो, ये हमारा फास्ट बेस में हो गया थ्री स्टार, ठीक है। तो चलिए हम अगली बेस देखते हैं। तो गाइज, ये रहा हमारा सेकेंड बेस, सेकेंड अटैक, ठीक है। यहाँ पे तीन गोबलिन आ गया फनल के लिए और एक वॉल ब्रेकर, ठीक है गाइज। क्वीन आ गया, डिप्ले कर दिया हम सारे के सारे पीछे से। हिलर्स आ गए, बहुत बढ़िया। इस साइड से एक वॉल ब्रेकर, किंग को हमने डिप्ले कर दिया इस साइड से, बहुत बढ़िया। अच्छा खासा बेस में काम कर रहा है अच्छा तरीके से। और एक रेस्पेक्ट डाल दिया वहाँ पे और एक वॉल ब्रेकर इस साइड से, ठीक है गाइज। और इस साइड से फ्लेम फिंगर, क्योंकि इस साइड को क्लियर करना है हमको इसीलिए हमने डाल दिया इस साइड से। और किंग का हमने एबिलिटी दे दी, देखते हैं क्या होता है इसमें। और एक रेस्पेल, क्योंकि उस साइड से क्वीन था इसलिए दिक्कत हो सकता था, फ्री स्पेल हमने डाल दी, नहीं तो हमारा क्वीन का एबिलिटी निकल जाता भाई। बहुत बढ़िया, मल्टी भी मिल गया हमको अच्छा खासा से। फ्लेम फिंगर भी अभी तक बचा इस साइड से, देखो क्लियर कर रहा है भाई। फ्लेम फिंगर मार जाएगा क्या, अभी उड़ा फटाफट से उसको, वे उड़ा इसको भाई। तेलसा भाई, तेलसा भी मिल गया, बहुत बढ़िया भाई। टाउन हॉल मिल जाएगा क्या क्वीन से, रेस्पेल लेकर डाल दिया भाई। क्वीन का एबिलिटी भी निकल गया, क्या ही बोलूँ। फ्रिज पर हमने डाल दिया, गल था लेट में डाल दिया हमने फ्रिज, कितना निकला भाई, दो ही निकला, कोई दिक्कत नहीं। सारे के सारे मिनर्स और पीछे से बुढ़ा आ गया और हॉक्स इस साइड से, ठीक है, बहुत बढ़िया। सब अंदर जा रहे हैं, क्वीन भी अभी तक बचा है उस साइड से। क्वीन मर जाएगा लगता है, अभी मर गया क्वीन, मर गया, कोई दिक्कत नहीं। बुढ़े का एबिलिटी हमने दे दी। अबे हमारा बुढ़ा एयर था क्या भाई। अबे यार ग्राउंड देना था हमको भाई, कोई बात नहीं, चलो। और एक हीलिंग स्पेल,
क्योंकि वही जटावट था, इसलिए हमको डालना पड़ा। ईगल भी मिल जाएगा इस साइड से, देखिए ईगल भी मिल गया, बहुत बढ़िया, बहुत सारा मिनट्स बचा है। और एक हमारा रेस्पेल नहीं, हीलिंग स्पेल बचा है अभी तक, बहुत बढ़िया। अरे उस साइड जाओ यार, इस दर साइड से क्या बचा, फ्लेम फिंगर अभी बचा है, फूट जाएगा अभी हम फ्लेम फिंगर। हाँ फूट गया, मैक्सॉक नहीं, लेवल 9 का, कोई बात नहीं, जा रहे हैं अच्छा खासा से वहाँ से, देखते हैं क्या होता है। मिनट्स बच पैक है क्या हमारा? हाँ भाई बहुत सारा मिनट्स भाई बचे यार, क्या ही बोलूँ, बहुत सारा बच गया। तो भाई लो ये हो गया हमारा सेकेंड बेस में 3 स्टार। तो चलिए मैं आपको अगली बेस दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। तो गाइज ये रहा हमारा अगली बेस, ठीक है गाइज, देखा हूँ जैसे जैसे कर रहा हूँ आपको ऐसे करना है कि वॉल पेपर हमने डाल दी पीछे से, पहले हम कुन डाल दिया पीछे से, सारे सारे हीलर्स आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा काम कर रहा है बेस के अंदर, जा रहा है कुन यू साइड से, कुन अंदर ही जाएगा लगता है। तो कुन अंदर जा भाई, बहुत बढ़िया, कुन अंदर चला गया, ईगल मिल जाएगा हमको लगता है कुन से ही, देखते हैं क्या होता है उस साइड से। और एक यहाँ से बेबी ड्रैगन फनल के लिए, ठीक है जी। और फ्लेम फिंगर इस साइड से आ गया, क्योंकि इस साइड से क्लियर करना है, एयर डिफेंस को उड़ाना था, इसीलिए हमको डालना पड़ा वहाँ पे, ठीक है गाइज। कोइन भी अच्छा तरीके से इस तरह से काम कर रहा है अभी, बेबी ड्रैगन भी इस साइड से फनल क्लियर कर रहा है, फ्लेम फिंगर भी इस साइड को बेस को उड़ा रहा है। और एक रेस्पेल डाल दिया वहाँ पे, क्योंकि हमारा कोइन का हीलिंग बहुत कम था इसीलिए। और एक हमने डाल दी पॉइजन स्पेल उस कोइन को, ऐसे करने के लिए अब हमको डालना पड़ा वहाँ पे, बहुत बढ़िया। कोइन भी अभी मिल जाएगा लगता है हमको, कोइन भी मिल गया, बहुत बढ़िया, कोइन भी मिल गया, बहुत बढ़िया, नाइस। फ्लेमिंगर भी यहाँ से अच्छा खासा काम कर रहा है, यहाँ के दो जाप और एक एर्थक्विक, ठीक है, एक यार डिफरेंस मिल गया हमको। हमने यहाँ पे कोइन किंग को ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे एक मोटर्स था, इसीलिए फ्लेम फिंगर को दिक्कत हो सकता था, इसीलिए डालना पड़ा सारे के सारे बैलून्स और ड्रैगन्स आ गए, ठीक है। बूढ़े भी पीछे से आ गया, बहुत बढ़िया। और किंग का भी हमने एबिलिटी दे दी वहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़रूरी था वहाँ पे डालने में, फिर इस पर डाल दी वहाँ पे, क्योंकि एयर स्वीपर था इसीलिए हमको डालना पड़ा। और एक रेज, ठीक है, बूढ़े का भी हमने एबिलिटी दे देंगे अभी थोड़ा आगे जाके। हाँ एबिलिटी दे दी बूढ़े का हमने, बहुत बढ़िया। एक सिंगल इनपो बच्चा है और एक हमारे पास फ्री स्पेल बच्चा है, और एक हमने डेस्पेल डाल दी इस साइड से, देखते हैं क्या होता है। हमारा सीसी से भी निकल गया एक ड्रैगन राइडर बैलून्स और एक फ्री स्पेल डाल दी, क्योंकि सिंगल इनपो था, ड्रैगन राइडर भी मर जाता और बैलून्स भी मर जाते वहाँ पे, बस ज़रूरी था डालने में, बहुत बढ़िया। इस साइड से बहुत ज़्यादा ड्रैगन बचा है, क्लियर हो रहा है, बूढ़े बचा है, कून बचा है, अभी तक चार्ज कर रहा है पीछे से हिलर्स, बहुत बढ़िया। ड्रैगन राइडर मर गया भाई, मर गया भाई, क्या ही बोलूँ भाई, मर गया सच में यार भाई। स्केलेटन निकला इस साइड से, क्वीन क्लियर कर रहा स्केलेटन को, क्वीन फटाफट ले यार यार डिफरेंस को भाई, मर जाएंगे बहुत सारे ड्रैगन, ड्रैगन ही ले जाएंगे यार डिफरेंस को, भाई ड्रैगन ही लेगी, बहुत बढ़िया भाई, क्या ही ले वहाँ पे, बहुत अच्छा खासा अभी काम भी कर गया बेस के अंदर, बहुत बढ़िया, नाइस, अच्छा खासा बेस में भी काम कर रहा है। तो भाई लो ये हो गया हमारा 3 स्टार, ये इसमें भी उड़े थे इस साइड से, ठीक है भाई, क्या ही उड़ा है हमने ड्रैगन, बहुत सारा बचा था भाई। तो भाई लो ये हो गया हमारा 3rd बेस में 3 स्टार, ठीक है। तो चलिए मैं कब अगली बेस दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। तो गाइस ये रहा हमारा 4th बेस, मतलब लास्ट बेस है हमारा, यहाँ पे 3 गोब्लिन आ गए, सुपर गोब्लिन फनल के लिए और एक बेबी ड्रैगन इस साइड से फनल के लिए, ठीक है। और एक वॉल पेपर इधर से आ गए, क्योंकि हमने पहले हमको कोइन को डिप्ले कर दिया और पीछे से हीलर्स आ गए, क्योंकि सारे के सारे, क्योंकि कोइन के अंदर जाना है इसलिए हमको डालना पड़ा वहाँ पे, बहुत बढ़िया। रेस्पेल हमको डालना पड़ेगा वहाँ पे, हाँ डाल दिया हमने, बहुत बढ़िया। और वो पीछे से लॉक लॉन्चर आ गया, लॉक लॉन्चर हमारा बाहर लेते हम, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा काम कर रहा है इसके अंदर। एक पिक्का आ गया पीछे से, दूसरा पिक्का आ गया, तीसरा और 4th पिक्का आ गया, सारे सारे बावलर्स आ गए, अंदर जाएंगे अभी लगता है। किंग भी आ गया भाई, किंग को अंदर जाना था वहाँ पे चला गया भाई, क्या ही बोलूँ, बावलर्स भी सारे के सारे नहीं आए अभी। और एक रेस्पेल, क्योंकि उनका शिष्य के अंदर पिक्का था, कोई बात नहीं। बूढ़े भी पीछे से आ गया,
अच्छा खासा बेस में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया। बैट स्पेल 7 बचा है हमारे पास, पिकैक बचा है, कोइन बचा है, बुढ़े का एबिलिटी भी बचा है और किंग का भी एबिलिटी अभी तक बचा है, ठीक है। सारे के सारे बैट्स हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दी क्योंकि फटाफट बेस को क्लियर करना था, इसलिए हमको डालना पड़ा वहाँ पे। कोई बात नहीं, और एक फ्री स्पेल क्योंकि एयर स्वीपर था इसीलिए डालना पड़ा हमको। मिल जा भाई, बैट्स बच जाता, कुछ बच जा भाई, कुछ भी बचा है अभी तक बैट्स, बहुत बढ़िया। क्या बैट्स बच पाएगा हमारा? हाँ भाई, बैट्स कुछ बच गए भाई। बुढ़े के भी एबिलिटी बचा है भाई, वो एबिलिटी नहीं देना पड़ा वहाँ पर। तो भाई लो, ये हो गया हमारा फोर्थ बेस में 3-स्टार गैच, ठीक है। आपको ऐसे वो आर्मी भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस CW में आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है गैच। तो गैच वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एक कमेंट भी कर देना, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा देना, जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।